हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो ना कल का यानी कि वेनेसडे का है। तो कल हमारे घर पे ना रोज़री थी, क्योंकि अक्टूबर का महीना बोलते हैं और रोज़री का महीना होता है। तो हर किसी के घर में ना मदर मेरी का स्टैचू लेके आते हैं और फिर सब गाँव वाले मिल के वहाँ पर प्रेयर करते। तो कल हमारे इधर वही था। तो पूरा दिन हमने क्या किया, क्या क्या बनाया, कैसा डेकोरेशन किया, सब ये वीडियो में है। तो सुबह पहले तो हमने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने मूंग का चीला बनाया था। और उसके बाद सारा डेकोरेशन करने के बाद मैं और डैडी हम दोनों चले गए थे चर्च स्टैचू लाने के लिए। तो एक दिन पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। तो रात को ही मैंने मूंग को भिगाने के लिए रख दिया था और फिर सुबह उठते उसमें से सारा पानी निकाल दिया और फिर उसमें लहसुन अदरक और दो मिर्ची डाल के और जीरा नमक डाल के उसको अच्छे से पीस लिया। और पीसने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था और उसके बाद मैंने उसके चीले बनाए। और इसमें मैंने किसा हुआ नारियल भी डाला है। वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, फिर नहीं डाला तो भी चल जाता है। नाश्ता होने के बाद थोड़े बहुत जो कपड़े थे जैसे कर्टन वगैरह निकाले थे धोने के लिए, वो सब मशीन में डालने के बाद थोड़ा सा डेकोरेशन किया और मैं और डैडी हम दोनों चले गए थे चर्च, क्योंकि हमें मदर मेरी का स्टैचू चर्च से लाना था। क्योंकि ऑलरेडी एक स्टैचू हमारे गांव में लाया था चर्च से, मगर 30 डेज़ का होता है ना, तो हमारे गाँव में बहुत सारे घर है तो 30 डेज़ के लिए एक स्टैचू नहीं जम रहा था। इसीलिए मतलब हमारे यहाँ से दूसरा स्टैचू अभी आज हमारे घर पे है, तो कल जाके हमारे घर से मेरे चाचू के घर पे, फिर वहाँ से दूसरे के घर पे ऐसे जाएगा। तो हमें स्टैचू चर्च से लाना था, तो इसीलिए मैं और डैडी हम चले गए थे चर्च स्टैचू लाने के लिए। तो हमने मदर मेरी का स्टैचू चर्च से लेके आ चुके थे और डेकोरेशन किया था वहाँ पे, मैंने अच्छे से उनको रख दिया। और उसके बाद हमने खाना बनाने की तैयारी की। तो दोनों टाइम का हमने एक ही साथ बनाया था, तो चिकन और मटर पनीर बनाने का सोचा था, तो हम वही बना रहे थे। तो चिकन तो मम्मी डैडी खाते हैं, मैं नहीं खाती, इसीलिए मेरे लिए मटर पनीर मैं बना रही थी। और साथ ही में हमने चावल के आटे की रोटी बनाई थी और राइस बनाए थे थोड़े से।
तो यहाँ पे मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाने की स्टार्ट की है, और मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं, जो सारी चीज़ें जो सारी सब्जियाँ जाती है वही डाली है, और उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने उसको ठंडा करके उसका पेस्ट बना लिया, और वही सेम कढ़ाई में मैंने उसको वापस अच्छे से भून लिया। और उसके बाद मैंने उसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला ये सब डाल के मैंने उसको थोड़ा सा तेल छूटने तक उसको पका लिया, और फिर उसके बाद मैंने उसमें मटर डाला और पनीर डाल के पका लिया, और अच्छे से रेडी हो गई मेरी मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैं मेरी सब्जी बना रही थी, और साइड में मम्मी चावल के आटे की रोटी बना रही थी। अगर आपको चाहिए कि ये कैसी बनती है देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी चावल के आटे की रोटी कैसी बनती है करके। तो खाना खाने के बाद मैंने कुछ व्लॉग किया नहीं, और सीधा शाम को 5 बजे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी चने को बॉईल करने के लिए डाल रही है, क्योंकि हमारे इसमें चना, वेफर, चॉकलेट्स ये सब दिया जाता है लोगों को एज अ प्रसाद। तो यहाँ पे मम्मी चना बॉईल करने के लिए रख रही है, तो उसमें लवंग, दालचीनी, थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है, बस अभी थोड़ा सा साफ सफाई रह गई है, क्योंकि अभी थोड़े देर में लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ, उसके बाद पोछा मारूंगी।
तो यहाँ पे अभी प्रेयर हो चुकी थी और यहाँ पे हमने ये सब सर्व सबके लिए सर्व करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो सब जा चुके हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना खाना खाने की तैयारी कर ली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।